दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे फेमस बच्चन परिवार इन दिनों काफी सुर्खियों में छाया हुआ है। कभी अभिषेक बच्चन और जया बच्चन में नाराजगी देखने को मिलती है तो कभी ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी नंद श्वेता नंदा में। यहाँ विवाद सुलझने की जगह लग रहा है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अभी हाल ही में बच्चन परिवार में हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जया बच्चन ने फिल्मफेयर अवार्ड में जगह बनाने वाली अभिनेत्रियों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें उनकी बहू यानी कि वह शिव सुंदरी ऐश्वर्या कहीं नजर ही नहीं आई। खबरों के मुताबिक जया बच्चन ने इस पार्टी में ऐश्वर्या को आमंत्रित ही नहीं किया। बता दें कि जिस दिन जया ने ये पार्टी रखी थी उसी दिन ऐश्वर्या को राष्ट्रपति ने भारत की सशक्त महिलाओं को दिए जा रहे एक अवार्ड से सम्मानित किया था। ऐश्वर्या यह अवार्ड लेने अकेले ही पहुंची थी। वहीं विवादों की खबरें तब सुर्खियों में आई जब यह पता चला कि इस बार अमिताभ और जया बच्चन अपने बेटे अभिषेक की बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि अभिषेक विदेश में अपना बर्थडे मनाएंगे और उनकी बर्थडे पार्टी में ऐश्वर्या और बेटी आराध्या ही शामिल होंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जया और ऐश्वर्या में अनबन हुई हो। इससे पहले भी फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज से ठीक पहले जया ने ऐश्वर्या के बोल्ड लुक को लेकर ताने मारे थे। जया ने कहा था कि पहले भी फिल्में बनती थी लेकिन आजकल लोगों को कैमरे के सामने बेशर्म हो जाने से भी कोई गुरेज नहीं है। बता दें कि फिल्म ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या का बोल्ड लुक काफी सुर्खियों में रहा था। दोस्तों अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।